हेलो गाइस, वेलकम टू अनलीश। मेरा नाम अभिमन्यु है और आज हमारे साथ आए हैं राजवीर जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और उनके साथ है ये 8 मंथ्स का यूरोपियन डॉबरमैन पप मस्टैंग। तो आज हम एक ओनर्स रिव्यू लेंगे इनसे एक डॉबरमैन यूरोपियन डॉबरमैन पप के बारे में। आपने यूरोपियन डॉबरमैन ही क्यों लेने की सोची? आपके पास पहले कोई मतलब डॉग रखा था तो? सर मैंने डॉबरमैन मेरे पास पहले अमेरिकन थे। अच्छा। उससे पहले मेरे पास जर्मन शेफर्ड था। अच्छा। लेकिन एक कुछ साल पहले शौक लगा था यूरोपियन डॉबरमैन। अच्छा। जैसे किसी के पास देखा, मिलने वालों के पास देखा, एक शौक था कि भाई ये डॉबरमैन लेना है। अच्छा। और डॉबरमैन वो भी यूरोपियन लेना है। ओके। तो मैंने 3 साल वेट किया था। 3 साल वेट करने के बाद मुझे जब यूरोपियन डॉबरमैन। अच्छा। इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा मस्कुलर डॉग है, अमेरिकन से अलग लगता है बिल्कुल। अमेरिकन तो बेसिकली वो शो वाले डॉग्स हो गए, फैमिली पेट्स की तरह होते हैं। हाँ जी हाँ। ये होते हैं वर्किंग वाले, इनके साथ वर्किंग और गार्डिंग में एक नंबर होते हैं। हाँ। तो आप इसकी ट्रेनिंग वगैरह का कैसे करते हो? मतलब ट्रेनिंग सर हम इसको घर में ही देते हैं, जो भी है नॉर्मल। अच्छा। ज्यादा ट्रेनिंग की इसको जरूरत नहीं है अपना। ओके। जो भी है घर में ही मिलता है। और मतलब एक्सरसाइज मतलब यूजुअली क्या करते हो? सुबह हम 5 किलोमीटर लेके जाते हैं, शाम को 5 किलोमीटर लेके जाते हैं। घर है, खुला हुआ है, उसमें ये पूरे दिन खुला रहता है। तो बाकी अगर वर्किंग डॉग है यूजली तो बड़े हेल्दी डॉग होते हैं ये, तो आज तक ऐसा कोई इशू हुआ कि आपको लगता है कि मतलब जनरली डॉबरमैन में एक बड़ा कॉमन है कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई बीमारी या ऐसा कोई बिहेवियर चेंजेस कुछ ऐसा? सर मैं जब से इसको लाया हूँ ये 8 महीने का हो गया है। अच्छा। मेरे 2 रुपये बीमारी पर खर्च नहीं हुए इसके। ओके। और मैंने अभी तक डॉक्टर के पास इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन लगते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कराया अभी तक, 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। सो बेसिकली अगर आपने वेट करा 3 साल, वो इसलिए करा कि वो अच्छी लाइन का बिल्कुल बढ़िया प्योर डॉग होना चाहिए। प्योर। हाँ जी। ये था मेरा मेन मोटिव कि मुझे एकदम ऐसा डॉग चाहिए जो 4 बंदे देख कर के हाँ भाई कोई डॉग ले रखा है। ये था बस। डॉग तो बहुत मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब इसको खाने में क्या देते हैं, इसकी डाइट यूजली क्या रहती है? सर इसको मैं सुबह फीड देता हूँ जो आपकी आती है, कोई सी भी फीड हो, फिर उसके बाद इसको चिकन, अंडे, राइस, रोटी, दूध, सारी चीज़ चलती है इसकी सारे दिन में। तो वो बांट रखा है कि सुबह ये चीज़ देनी है, शाम को ये चीज़ देनी। अच्छा। है, खाता है सारी चीज़ें। अच्छा। आप कुछ भी दे दो खाने के लिए सब चीज़ खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। हाँ, जैसे जर्मन शेफर्ड्स में कहते हैं कि बड़े चूज़ी होते हैं खाने के। ये बिल्कुल। तो ये चीज़ आपने अमेरिकन और यूरोपियन में भी देखी? सर अमेरिकन मेरे पास था, मैंने अभी 5-6 महीने पहले उसको रिटर्न दिया, एक मिलने वाले को दे दिया। वो एक टाइम खाता था, जो उसका मन करेगा वही खाएगा, वो बाकी चीज़ें नहीं खाता था। ये इसको आप कुछ भी दे दो ये सब चीज़ खा जाएगा। बिल्कुल सर, ये है इसके अंदर। डॉग जब भी अच्छा लगता है जब कुछ खाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा तो आप मुझे एक बात बताएं, इस डॉग का टेम्परमेंट कैसा है? मतलब बच्चे बच्चे होंगे घर में? सर मेरे घर में 1 साल सर लेकर के और 10 साल तक के बच्चे हैं, सबके। अच्छा। साथ रहता है। ओके। भाई की लड़की है उसके साथ रहता है, वो 1 साल की है, 2 साल के बच्चे हैं उनके साथ रहता है। इनके ऊपर सारा दिन इसके ऊपर चढ़े रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत नहीं। और स्ट्रेंजर्स मतलब अगर यूजली अगर कोई आ जाए तो? अगर बाहर का बंदा कोई आएगा तो ये थोड़ा भौंकता है। अच्छा। वैसे काटता तो नहीं अभी क्योंकि ये बच्चा है। ओके। काटने की नहीं पता इसको, भी भौंकता है वो। तो देखो गार्ड डॉग है तो वो एक इंस्टिंक्ट होता है कि एकदम से कोई आएगा स्ट्रेंजर। बट जैसे यूजली अगर कोई गेस्ट आता है घर में तो स्टार्टिंग में भौंकने के बाद तब हो जाता है सेटल, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आता? हाँ बिल्कुल शांत हो जाता है ये, उसको देख करके जब वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं उसके बाद ये शांत हो जाता है बिल्कुल। ओके। आराम से बैठ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपने ये डॉग कहाँ से लिया था? ये सर ये भैया है, बड़े भैया विनोज कुमार मेरठ वाले। हाँ जी हाँ जी। उनसे लिया था मैंने भैया ये। अच्छा। और ये भी मैंने 6 महीने वेट किया था जब लिया था। ओके। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे वेट बहुत कराया था, जब कई बार मैंने कॉल की, मैसेज किए, जब भैया ने लास्ट में आखिरकार मुझे जब दिया था, नहीं इतनी जल्दी मिलता नहीं है यूरोपियन, 100% यूरोपियन तो आपको मिलेगा नहीं यार, अच्छे डॉग लेने के लिए तो वेट करना ही पड़ता है आपको। हाँ जी। तो ये विनोज भैया से लिया है मेरठ से। तो रजनी जी आप एक बात बताओ, अगर आप किसी को अगर मतलब कोई अगर डॉग लेना चाहता है तो आप उसको यूरोपियन डॉबरमैन लेने की सलाह देते हैं? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसके पास स्पेस हो, जो इसको घुमा सके सुबह शाम, इसको टाइम दे सके 2-3 घंटे का दिन में, तो बिल्कुल आप डॉबरमैन लो। अदरवाइज आप इसको बांध के रखोगे घर में, सुबह शाम कहीं नहीं ले जाओगे, खेलोगे नहीं इसके साथ, तो फिर लेना अदर डॉबरमैन नहीं, कोई भी डॉग लेना बेकार है फिर तो। इनके साथ आप खेलो कूदो, इनके साथ जैसा रहोगे वैसा रहेंगे। अगर आप इसको बांध करके रख दोगे तो डॉग खराब हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पहले ही अग्रेसिव होते हैं डॉग, टेम्परामेंट हाई होता है इनका, लेकिन आपने ये अकेले छोड़ दिए तो फिर बिल्कुल खतरनाक हो जाते हैं। अच्छा एक और चीज़, इसमें कभी फूड एग्रेशन मतलब है?
नहीं सर, आप ये खाना खाता है, रखे रहता है, अगर बच्चे भी हाथ लगाते हैं खाते टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं करता, कैसे भी उठा लो इसके सामने से रोक के। मतलब बात ये है, ये 1 से लेके 100 तक ओके है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार। मैंने पहले डोरमैन से बहुत डरता था जब छोटे थे, हमारे घर के मना करते थे कि डोरमैन मत लाओ, लेकिन हमने जब से डोरमैन रखने स्टार्ट किए हैं, जब से हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। एक हुआ बना रखा था कि डोरमैन ऐसा है, डोरमैन वैसा है, वो सारी जो कहते हैं ना अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग की वजह से वो डॉग्स का टेम्परमेंट, डोबरमैन का बेसिकली टेम्परमेंट इतना ख़राब हो गया था, वो कहीं मिलना, तभी इतनी मुश्किल से आपको ये डॉग मिला, इतनी वेट करने के बाद मिला। 6 महीने तो मैंने विनोद भैया के उससे ही वेट किया था, उनके पास डॉग था नहीं, 6 महीने तक बच्चे कोई नहीं थे बिल्कुल, तो ये उनकी फीमेल वगैरह केरला मेट होने के लिए गई थी, इम्पोर्ट डॉग था, इंडिया में आया था, ये उसका फर्स्ट बच्चा है इंडिया में, फर्स्ट बच्चा मेरे पास ही है इम्पोर्ट का, और ये स्टड के लिए चढ़ा हुआ है पेपरों में। अच्छा, हाँ जी सर, नहीं बहुत ही शानदार डॉग है ये। सो गाइस, विनोद जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही शानदार डॉबरमैन है उनके, तो अगर आपको आप भी उनके, यू कैन गेट इन टच विद हिम। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।